बहुत समय पहले की बात है, एक शहर में एक व्यक्ति रहता था। जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी ने एक प्यारी सी परी जैसी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन दोनों ने बड़े ही प्यार से सिंड्रेला रखा। सिंड्रेला के जन्म के एक दो साल बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया। अब उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सिंड्रेला की सौतेली माँ बहुत ही दुष्ट औरत थी, वो सिंड्रेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी दो बहनें और थी। थोड़े ही दिनों के बाद उसके पिता का भी देहांत हो गया। सिंड्रेला के पास अपना कहने के लिए अब कोई भी नहीं था। बचपन से ही उसकी सौतेली माँ उससे बहुत काम करवाया करती थी। उसकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी नहीं की गई। उसको घर का नौकर बना दिया गया, लेकिन सिंड्रेला ने कभी भी कुछ नहीं कहा। सब अपनी किस्मत समझकर उसने स्वीकार कर लिया। अब वो बड़ी हो चुकी थी। जितनी वो दिल की अच्छी थी, उसका रंग भी बड़े होने के साथ साथ निखरता गया। वो उस नगर की सबसे सुंदर लड़की बन गई, लेकिन उसकी माँ ने इस कारण उसका नगर में घूमना ही बंद करवा दिया। उसको पहनने के लिए फटे पुराने कपड़े दिए जाते थे ताकि वो बदसूरत दिखे। खाना भी उसको बचा कुचा ही दिया जाता था। वो अपनी खिड़की से ही लोगों को इधर उधर आते जाते देखा करती थी। उसके दुख अब कुछ ही दिनों के मेहमान थे, क्योंकि एक दिन उस नगर के राजकुमार का जन्मदिन था। राजा ने घोषणा करवाई कि वो अपने बेटे के जन्मदिन के शुभ अवसर पर एक बड़ा सा भोज रखेंगे, जिसमें राजकुमार के लिए लड़की भी देखी जाएगी। राजकुमार को जो भी लड़की पसंद आएगी वो उससे ही शादी करेगा। राजा के आदेश से दूत बनकर एक सैनिक सभी घरों में गया और जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण दे दिया। आखिर में वो सिंड्रेला के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने दरवाजा खोला। तब वो दूत बोला, माँ जी, राजकुमार के जन्मदिन की पार्टी है, आप सभी जरूर आइएगा। खासकर लड़कियों को आना है, राजकुमार उन्हीं लड़कियों में से अपनी पत्नी चुनने वाले हैं। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन सिंड्रेला ने भी ये बात सुन ली। वो काम कर रही थी। फिर वो अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ, वो मुझे भी जन्मदिन की पार्टी में जाना है। लेकिन ये सुनते ही उसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत मारा और वहाँ जाने से साफ मना कर दिया। वो चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियों में से कोई एक राजकुमार के साथ शादी करे, लेकिन उसकी बेटियाँ तो सुंदर थी ही नहीं, इसलिए वो सुंदर सी सिंड्रेला को वहाँ पर नहीं भेजना चाहती थी, जिस वजह से उसने सिंड्रेला को बहुत सारा काम दे दिया ताकि उसे जन्मदिन में जाने का मौका ही ना मिले। जन्मदिन का दिन आ ही गया। शाम को सभी को जन्मदिन में जाना था। सिंड्रेला की सौतेली माँ ने सिंड्रेला को अपनी दोनों बेटियों के लिए ड्रेस बनाने का काम दे दिया ताकि उसे अपने लिए कुछ करने का मौका ही ना मिले। सिंड्रेला ने दिन भर दोनों की ड्रेस बनाई। अब शाम होने वाली थी। उसके घर के सभी लोग अच्छे से तैयार होकर पार्टी में चले गए। सिंड्रेला घर पर बैठे बैठे रो रही थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी और सोच रही थी कि काश उसकी माँ भी आज जिंदा होती तो वो भी सुंदर बनकर उस पार्टी में जा पाती। अचानक सिंड्रेला के कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और उस रोशनी के बीच में एक परी प्रकट हुई। वो परी बिल्कुल सिंड्रेला की माँ की तरह दिख रही थी। अपनी माँ को अपने सामने देखकर वो उसके गले से लग गई और बहुत ज्यादा रोने लगी। फिर परी ने सिंड्रेला को चुप कराया और कहा, तुम राजकुमार के जन्मदिन की पार्टी में जाना चाहती हो ना? मैं तुम्हें तैयार करूँगी। ये सुनकर सिंड्रेला ने कहा, लेकिन मेरे पास तो अच्छे कपड़े हैं ही नहीं, मैं क्या पहनकर वहाँ जाऊँगी? वहाँ तो सब बहुत ही सुंदर बनकर आए होंगे। इतना सुनते ही परी ने झट से अपनी जादू की छड़ी घुमाई और सिंड्रेला एक राजकुमारी के रूप में परिवर्तित हो गई। सुंदर तो वो थी ही,
अब वो विश्व की सबसे सुंदर लड़की लग रही थी। उसकी सुंदर ड्रेस, सुनहरे बाल और उसकी चमचमाती हुई सैंडल उसको सबसे अलग बना रही थी। लेकिन फिर परी ने उसे एक जरूरी बात समझाई। मेरा ये जादू रात के 12 बजे तक ही रहेगा, तो तुम उससे पहले घर वापस आ जाना। फिर सिंड्रेला मान गई। परी ने पास में पड़े हुए कद्दू से एक शाही बग्गी का इंतजाम कर दिया। सिंड्रेला उसमें बैठकर राजमहल की तरफ चल दी। सिंड्रेला जैसे ही राजमहल में प्रवेश करती है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। बाहर से आए हुए मेहमान और राजकुमार भी सिंड्रेला को ही एकदम देखे जा रहे थे। उसकी सौतेली माँ और बहनों ने भी उसे नहीं पहचाना। राजकुमार ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब तो वो इसी लड़की से शादी करेगा। वो सिंड्रेला के पास गया और उसको डांस के लिए अपना हाथ दिया। सिंड्रेला भी बहुत खुश हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत देर तक डांस किया। इस बीच सिंड्रेला को समय का पता ही नहीं चला। अब 12 बजने में कुछ ही पल बचे हुए थे, तभी अचानक उसकी नजर घड़ी पर गई। उसने देखा कि मध्य रात्रि तो होने ही वाली है। उसे अब परी की बात याद आ गई। उसने राजकुमार का हाथ छोड़ दिया और वहाँ से भागने लगी। राजकुमार भी उसके पीछे पीछे भागा। हड़बड़ी में सिंड्रेला के एक पैर की सैंडल वही महल में ही छूट गई। सिंड्रेला तो हवा के झोंके की जैसे गायब हो चुकी थी। लेकिन राजकुमार के हाथ सिंड्रेला का केवल एक सैंडल ही लगा। राजकुमार को बहुत अफसोस हुआ कि वो उसका नाम भी ना पूछ सका। अगले दिन राजकुमार खुद नगर में जाकर उस सैंडल वाली लड़की को खोजने निकला। उसने घर घर जाकर लड़कियों को वो सैंडल पहनाई, लेकिन किसी को भी वो सैंडल नहीं आई। किसी को वो छोटी पड़ रही थी और किसी को बड़ी। फिर राजकुमार आखिर में निराश होकर नगर के आखिरी घर सिंड्रेला के घर पर पहुंचा। सिंड्रेला की दोनों सौतेली बहनों ने उस सैंडल को पहनने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस सैंडल को बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं पहन सका। तब राजकुमार की नजर पास में खड़ी एक सीधी साधी लड़की पर पड़ी। उसने उसको बुलाया और उससे भी आग्रह किया कि वो इस सैंडल को पहने। सिंड्रेला की माँ ने कुछ भी नहीं कहा। उसने सोचा कि ये इसकी थोड़ी है और ये पार्टी में गई भी तो नहीं थी। फिर सिंड्रेला उस सैंडल के पास गई और उस सैंडल को पहना। उसको वो सैंडल फिट आ गई। तभी वो भागकर अंदर गई और दूसरी सैंडल भी पहनकर वापस आ गई। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसको अपने साथ अपने महल ले गया। दोनों की शादी हो गई और वो एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। और वहीं उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनी हक्की बक्की होकर बस देखती ही रह गई। बहुत समय पहले की बात है, परिदेश नाम का एक परिलोक था। उस परिलोक पर एक रानी परी राज करती थी। उसे जो भी चीज पसंद आती थी वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहती थी। रानी परी के इस बर्ताव के कारण वहाँ की सारी परियाँ बहुत दुखी थीं। रानी परी के महल से थोड़ी दूर अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। रानी परी अर्जुन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन रानी परी के दुष्ट स्वभाव के चलते अर्जुन रानी परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दिन रानी परी अर्जुन से कहती है, अर्जुन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हें मेरा स्वभाव अच्छी तरह पता है, जो भी मेरे खिलाफ जाता है मैं उसे सबक सिखा कर ही रहती हूँ। मैं तुमसे ना तो डरता हूँ और ना ही डरने वाला हूँ, और मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में तेरे जैसी बुरी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। लेकिन अर्जुन पृथ्वी पर रहने वाली चांदनी नाम की एक लड़की से प्यार करता था। कुछ महीनों के बाद चांदनी और अर्जुन शादी कर लेते हैं। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं।
फिर एक दिन चांदनी दो खूबसूरत परियों को जन्म देती है। चांदनी अपनी बेटियों को परी के रूप में देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन जब अर्जुन काम से घर लौट रहा था, तभी रानी परी और रानी परी के सिपाही ने आकर अर्जुन को अगवा कर लिया और उसे परी लोक लेकर गए। अर्जुन, ये तूने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तूने उस लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। रानी परी अपने सिपाहियों से कहकर अर्जुन को जेल में बंद करवा देती है। जैसे ही ये बात चांदनी को पता चलती है, तो चांदनी फौरन भागती हुई रानी परी के महल आ जाती है। लेकिन रानी परी के महल के बाहर सिपाही खड़े हुए थे। रानी परी के सिपाही चांदनी को रोक लेते हैं। मुझे पता है कि तुम अर्जुन की पत्नी हो। देखो, इस वक्त तुम रानी परी के पास मत जाओ, वरना वो तुम्हारे पूरे परिवार को अपने पास बंदी बनाकर रख लेगी। हाँ, और तुम रानी परी का गुस्सा नहीं जानती, वो बहुत ही खतरनाक है। देखो, रानी परी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है। तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। इसी तरह वो दोनों सिपाही मिलकर चांदनी को वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। बेचारी चांदनी अपने पति के गम में उदास उदास रहने लगी। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। चांदनी की दोनों परी बेटियां बड़ी हो जाती हैं। दोनों परियां जब अपनी माँ को अर्जुन के लिए परेशान देखती थी, तो दोनों परियां भी दुखी हो जाती थी। बहन, अब हम दोनों बड़ी हो गई हैं। हमें अपने पिता को किसी भी तरह रानी परी के चंगुल से छुड़वा कर लाना ही होगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी माँ हमारे पिता के गम में मर जाएगी। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन रानी परी बहुत ही चालाक है, उसके लिए हमें बहुत ही होशियार रहना होगा। इस तरह दोनों परी बहनें अपने पिता को आजाद कराने का मन बना लेती हैं। फिर एक दिन वो दोनों बहनें व्यापारी का रूप बनाकर रानी परी के महल में जाती हैं और रानी परी से कहती हैं, रानी जी, हमारे पास कई तरह की जादुई मिठाइयाँ हैं, जिन्हें खाकर इंसान अपने आप को कितना भी बड़ा बना सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मैं इन मिठाइयों को अभी खाकर तुम्हारी बात की आजमाइश करना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों बहनें मिठाई से भरा एक डब्बा रानी परी के सामने रख देती हैं। रानी परी बिना सोचे समझे सारी मिठाई खा जाती है और थोड़ी ही देर में रानी परी एक चूहिया से भी छोटी हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इन दोनों परियों ने मेरे साथ धोखा किया है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तभी दोनों बहनें रानी परी को एक कांच की बोतल में बंद कर देती हैं। तेरे जैसे धोखेबाज के साथ धोखा करना गलत बात नहीं है। तूने हमारे माता पिता को दुख देकर उनको खून के आंसू रुलाया है। अब हम तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा देंगे। रानी परी अपने दरबार में मौजूद सभी परियों से मदद मांगती है, लेकिन रानी परी से सभी परियां परेशान हो चुकी थी, इसलिए सभी परियां रानी परी को कैद में देखकर बहुत खुश होती हैं। इसके बाद दोनों परी बहनें अपने पिता को जेल में से आजाद करा लेती हैं। उसके बाद महल की सभी परियां दोनों बहनों को राजगद्दी पर बैठा देती हैं और वहां की रानी बना देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों परी बहनें अपने माता पिता को साथ में लेकर राजमहल में ही रहने लगती हैं। फिर उस दिन के बाद से सबकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वी लोक से दूर परी लोक में सिंड्रेला नाम की एक परी रहती थी और आज सिंड्रेला परी का जन्मदिन होता है। असल में सिंड्रेला परी रानी परी की बेटी होती है। रानी परी सिंड्रेला परी का बर्थडे बड़े ही धूमधाम से मनाती है। अंत में सिंड्रेला परी रानी परी से अपने जन्मदिन का गिफ्ट मांगने जाती है। माँ, आपने मेरा जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाया। आप परियों की सबसे अच्छी रानी और मेरी सबसे अच्छी माँ हो। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, तो आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी माँ? हाँ सिंड्रेला, तुमने सही कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं ये दुआ करूँगी कि तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत ही सुखी और सरल हो। और हाँ सिंड्रेला, आज तुम्हारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें ये जादुई लहंगा देती हूँ। सिंड्रेला, परीलोक का ये जादुई लहंगा बहुत ही कीमती और चमत्कारी है, क्योंकि इसमें ऐसी जादुई शक्तियाँ हैं जिससे तुम किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती हो। और हाँ सिंड्रेला,
इस जादुई लहंगे के चमत्कार से तुम मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकती हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना कि वो इंसान एक निर्दोष और जरूरतमंद होना चाहिए, तभी तुम्हारे इस जादुई लहंगे का जादू उस पर असर करेगा। मेरी बातों को तुम ठीक से समझ गई हो ना सिंड्रेला? हाँ माँ, मैं आपकी बातों को समझ गई हूँ कि ये जादुई लहंगा बहुत ही कीमती है। मैं इसे अपने पास बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखूँगी और इसे कभी भी गलत हाथों में नहीं पड़ने दूँगी। माँ, मुझे आपका बर्थडे गिफ्ट बहुत पसंद आया, मैं अभी ये जादुई लहंगा पहन कर आती हूँ। इस तरह सिंड्रेला परी रानी परी का धन्यवाद कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सिंड्रेला परी वो लहंगा पहन लेती है, जिसे पहनने के बाद सिंड्रेला परी के अंदर जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं। फिर सिंड्रेला परी वो लहंगा पहनकर अपनी माँ को दिखाती है। ये देखिए माँ, मैं इस लहंगे को पहनकर और भी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। मैं अपना ये लहंगा पहनकर पृथ्वी लोक पर जाना चाहती हूँ और जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहती हूँ। ठीक है सिंड्रेला, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम आराम से पृथ्वी लोक पर जाओ और कुछ दिन बिता कर आओ। इसके बाद बादलों में उड़ते हुए सिंड्रेला परी पृथ्वी लोक पर चली जाती है। पृथ्वी लोक पर पहुँच कर सिंड्रेला परी देखती है कि वहाँ तो एक घायल व्यक्ति दर्द से कराह रहा है। ये देखकर सिंड्रेला परी को उस पर दया आ जाती है और वो अपने जादुई लहंगे से कहकर उस आदमी को बिल्कुल ठीक कर देती है। धन्यवाद परी, तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं इस गांव का सरपंच हूँ। दरअसल एक बड़े ट्रक से मेरी टक्कर हो गई थी, जिससे मेरी टांग टूट गई थी, परंतु तुमने चुटकियों में मेरा पैर बिल्कुल ठीक कर दिया। तुमसे खुश होकर मैं तुम्हें सोने के 100 सिक्के देना चाहता हूँ। उन सिक्कों को पाकर सिंड्रेला परी बहुत खुश होती है और उसके मन में लालच आ जाता है। तभी वो मन ही मन कहती है, अरे वाह, पृथ्वी लोक के लोग तो बहुत अमीर है। यहाँ पृथ्वी पर इंसान कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित रहते हैं और यहाँ पृथ्वी के डॉक्टरों के पास उनका इलाज भी नहीं है। और माँ ने जो मुझे ये जादुई लहंगा दिया है, इससे मैं बड़े से बड़ी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। तो क्यों ना मैं जादुई लहंगे के इस्तेमाल से ऐसे गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ठीक करने में लग जाऊं और उनसे मुंह मांगी कीमत वसूला करूं। इससे मैं कुछ ही दिनों में परीलोक की सबसे अमीर परी बन जाऊंगी और फिर मुझे किसी भी चीज के लिए माँ के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसके बाद सिंड्रेला परी एक अखबार में अपना ऐड करवाती है। सिंड्रेला परी गांव के जंगल में ही एक पेड़ के नीचे अपना आशियाना बना लेती है। टीवी और अखबारों में ऐड देखकर जल्दी ही सिंड्रेला परी के पास पेशेंट आने लगते हैं। इसके बाद सिंड्रेला परी एक एक करके सभी पेशेंट को अपने जादुई लहंगे की मदद से ठीक करना शुरू कर देती है। इसी तरह जैसे जैसे लोगों को सिंड्रेला परी के बारे में पता चलता है, वो लोग अपना इलाज कराने के लिए परी के पास आने लगते हैं। पूरा दिन सिंड्रेला परी के पास पेशेंट की लाइन लगी रहती है, जिस कारण सिंड्रेला परी का घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था और वो लोगों से बहुत सारे सोने के सिक्के वसूल रही थी। अरे वाह, ये जादुई लहंगा तो बहुत ही मस्त है। मैंने कुछ ही दिनों में इस लहंगे की मदद से कई लाख रुपए कमा लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ ही दिनों में परी लोक की सबसे अमीर परी बन जाऊंगी और सभी परियां मेरे यहाँ नौकरी पर आएंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी मन ही मन खुश होती है। इसी तरह एक दिन एक बहुत ही बूढ़ी दादी सिंड्रेला परी के पास घायल अवस्था में आती है। बेटी, मैंने सुना है कि तुम अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती हो, इसलिए बेटी मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बेटी, मुझे पूरे शरीर में खुजली की शिकायत है, जिस कारण मेरी रातों की नींद उड़ गई है। क्या तुम मेरी ये बीमारी ठीक कर सकती हो? बेटी, तेरा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। दादी माँ, मैं आपकी बीमारी तो ठीक कर सकती हूँ, परंतु उससे पहले यहाँ पर 10 तोला सोना रख दीजिए, उसके बाद ही मैं आपका इलाज शुरू करूँगी। आप मेरी बातों को समझ रही है ना? बेटी, मैं तो एक बहुत ही बूढ़ी महिला हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है।
मैं गली गली भीख मांग कर अपना गुजारा करती हूँ। मैं तुम्हें दुआएं और आशीर्वाद देने के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। मुझे माफ कर देना बेटा, थक चुकी हूँ मैं इस बीमारी से लड़ते लड़ते। इसलिए बेटी अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ओए बुढ़िया, मैंने क्या यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है जो मैं तुझे फ्री में ठीक कर दूँ? मेरी बात कान खोल कर सुन ले बुढ़िया, बिना पैसे और सोने के तो मैं तुझे ठीक नहीं करूँगी, समझी? इसलिए अगर तुझे अपनी बीमारी को ठीक करना है तो जा जल्दी से ढेर सारे सोने के सिक्के और जेवर लेकर आ। बेटी मैं तो बहुत ही गरीब और बेसहारा हूँ, अगर मेरे पास ढेर सारे सोने के सिक्के और जेवर होते तो आज मेरी ऐसी हालत ना होती। बेटी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ बेसहारा और गरीब की मदद कर दो बेटा। अरे बुढ़िया, तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? पहले पैसे और सोने के सिक्के यहाँ रख, उसके बाद ही मैं तेरा इलाज करूँगी, वरना चल जा यहाँ से। लेकिन उसी पल वो बुढ़िया अपने असली रूप में आ जाती है और रानी परी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर सिंड्रेला परी के होश ही उड़ जाते हैं और वो रानी परी के आगे कुछ नहीं बोलती। सिंड्रेला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह लोगों के साथ छल कपट करने की? मैंने तुम्हें ये जादुई लहंगा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए दिया था, ना कि अपनी जेब भरने के लिए। सिंड्रेला, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इन गरीब बेसहारा लोगों से मुंह मांगे पैसे लेकर उनका इलाज करो। ये जादुई लहंगा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए ही है, परंतु तुमने तो इसका इस्तेमाल अपनी जेब भरने के लिए किया। इसलिए सिंड्रेला, मैं इसी वक्त तुमसे ये जादुई लहंगा वापस लेती हूँ और साथ में मैं तुम्हें परीलोक से भी बेदखल करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसी लालची परी की परीलोक में कोई जगह नहीं है, समझी? नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लालच में आ गई थी। लेकिन माँ मैं वादा करती हूँ आज से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दीजिए माँ, प्लीज प्लीज प्लीज। इतना कहकर सिंड्रेला परी जोर जोर से रोने लगती है। वहीं सिंड्रेला परी की बात सुनकर रानी परी का दिल पिघल जाता है, क्योंकि रानी परी स्वभाव की बहुत ही नर्म और दयालु थी। इसलिए वो सिंड्रेला परी को एक मौका और देती है और उसे माफ कर देती है। इसके बाद सिंड्रेला परी सभी गांव वालों से माफ़ी मांगती है और उसने जिस जिस से भी रुपए लिए होते हैं उन सभी को वो रुपए और गहने वापस कर देती है। उस दिन के बाद से सिंड्रेला परी बिना किसी रुपए पैसे और लालच के गरीब और अनाथ लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी मुफ्त में ही ठीक कर दिया करती है और हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, परिदेश नाम का एक परिलोक था। उस परिलोक पर एक रानी परी राज करती थी। उसे जो भी चीज पसंद आती थी वो उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहती थी। रानी परी के इस बर्ताव के कारण वहाँ की सारी परियाँ बहुत दुखी थीं। रानी परी के महल से थोड़ी दूर अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। रानी परी अर्जुन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन रानी परी के दुष्ट स्वभाव के चलते अर्जुन रानी परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दिन रानी परी अर्जुन से कहती है, अर्जुन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम्हें मेरा स्वभाव अच्छी तरह पता है, जो भी मेरे खिलाफ जाता है मैं उसे सबक सिखा कर ही रहती हूँ। मैं तुमसे ना तो डरता हूँ और ना ही डरने वाला हूँ, और मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में तेरे जैसी बुरी लड़की से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। लेकिन अर्जुन पृथ्वी पर रहने वाली चांदनी नाम की एक लड़की से प्यार करता था। कुछ महीनों के बाद चांदनी और अर्जुन शादी कर लेते हैं। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन चांदनी दो खूबसूरत परियों को जन्म देती है। चांदनी अपनी बेटियों को परी के रूप में देखकर बहुत खुश होती है। इस तरह उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था।
लेकिन एक दिन जब अर्जुन काम से घर लौट रहा था, तभी रानी परी और रानी परी के सिपाही ने आकर अर्जुन को अगवा कर लिया और उसे परीलोक लेकर गए। अर्जुन, ये तूने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तूने उस लड़की से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुझे इसकी सजा दूंगी। रानी परी अपने सिपाहियों से कहकर अर्जुन को जेल में बंद करवा देती है। जैसे ही ये बात चांदनी को पता चलती है, तो चांदनी फौरन भागती हुई रानी परी के महल आ जाती है। लेकिन रानी परी के महल के बाहर सिपाही खड़े हुए थे। रानी परी के सिपाही चांदनी को रोक लेते हैं। मुझे पता है कि तुम अर्जुन की पत्नी हो। देखो, इस वक्त तुम रानी परी के पास मत जाओ, वरना वो तुम्हारे पूरे परिवार को अपने पास बंदी बनाकर रख लेगी। हाँ, और तुम रानी परी का गुस्सा नहीं जानती, वो बहुत ही खतरनाक है। देखो, रानी परी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती है। तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। इसी तरह वो दोनों सिपाही मिलकर चांदनी को वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं। बेचारी चांदनी अपने पति के गम में उदास उदास रहने लगी। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। चांदनी की दोनों परी बेटियां बड़ी हो जाती हैं। दोनों परियां जब अपनी माँ को अर्जुन के लिए परेशान देखती थी, तो दोनों परियां भी दुखी हो जाती थी। बहन, अब हम दोनों बड़ी हो गई हैं। हमें अपने पिता को किसी भी तरह रानी परी के चंगुल से छुड़वा कर लाना ही होगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी माँ हमारे पिता के गम में मर जाएगी। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन रानी परी बहुत ही चालाक है, उसके लिए हमें बहुत ही होशियार रहना होगा। इस तरह दोनों परी बहनें अपने पिता को आजाद कराने का मन बना लेती हैं। फिर एक दिन वो दोनों बहनें व्यापारी का रूप बनाकर रानी परी के महल में जाती हैं और रानी परी से कहती हैं, रानी जी, हमारे पास कई तरह की जादुई मिठाइयाँ हैं, जिन्हें खाकर इंसान अपने आप को कितना भी बड़ा बना सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मैं इन मिठाइयों को अभी खाकर तुम्हारी बात की आजमाइश करना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों बहनें मिठाई से भरा एक डब्बा रानी परी के सामने रख देती हैं। रानी परी बिना सोचे समझे सारी मिठाई खा जाती है और थोड़ी ही देर में रानी परी एक चूहिया से भी छोटी हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? इन दोनों परियों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तभी दोनों बहनें रानी परी को एक कांच की बोतल में बंद कर देती है। तेरे जैसे धोखेबाज के साथ धोखा करना गलत बात नहीं है। तूने हमारे माता पिता को दुख देकर उनको खून के आंसू रुलाया है। अब हम तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा देंगे। रानी परी अपने दरबार में मौजूद सभी परियों से मदद मांगती है, लेकिन रानी परी से सभी परियां परेशान हो चुकी थी, इसलिए सभी परियां रानी परी को कैद में देखकर बहुत खुश होती हैं। इसके बाद दोनों परी बहनें अपने पिता को जेल में से आजाद करा लेती हैं। उसके बाद महल की सभी परियां दोनों बहनों को राजगद्दी पर बैठा देती हैं और वहां की रानी बना देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों परी बहनें अपने माता पिता को साथ में लेकर राजमहल में ही रहने लगती हैं। फिर उस दिन के बाद से सबकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है।